हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आपका सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, मेरे ऑफलाइन बैच चलते हैं। अगर आपको मेरे ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेना हो, TGT, PGT, NET, LT ग्रेड, DSSB, तो आप मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और एडमिशन का पूरा प्रोसेस जान सकते हैं। आपकी RPC फर्स्ट ग्रेड की भी क्लासेस चल रही है, तो जिनको भी एडमिशन चाहिए वो इस नंबर पे कांटेक्ट करें और एडमिशन ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो सोलर कुकर के डिब्बों में काला रंग होने से उसमें क्या होता है। सोलर कुकर में डिब्बों में काला रंग होने से उसमें क्या होता है? अवशोषण क्षमता में कमी, अवशोषण क्षमता में वृद्धि, अवशोषण क्षमता बराबर होती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सोलर कुकर के डिब्बों में काला रंग होने से अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि, क्योंकि सोलर कुकर एक ऐसी युक्ति है जो सूर्य के प्रकाश और ऊर्जा से भोजन पकाता है। क्या पकाता है? भोजन पकाता है। काला रंग सूर्य की किरणों को अवशोषित करता है। काला रंग सूर्य की किरणों को अवशोषित करता है। विद्युत तापी उपकरणों में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? तो विद्युत तापी उपकरणों में थर्मोस्टेट ऊष्मा नियंत्रक होता है। क्या होता है? ऊष्मा नियंत्रक। और ये क्वेश्चन आपका TGT 2013 में पूछा गया। तो विद्युत तापी उपकरणों में थर्मोस्टेट का कार्य होता है ऊष्मा नियंत्रण का। थर्मो जो देख लीजिए, थर्मो स्टेट किससे बना है? थर्मोस्टेट ग्रीक शब्द थर्मो यानी कि गरम और स्टेटो मतलब एक नियत, ये होता है मतलब। चलिए आगे देख लेते हैं। विराम अवस्था में शरीर द्वारा वांछित ऊर्जा को, जब विराम अवस्था होती है तो विराम अवस्था में शरीर द्वारा वांछित ऊर्जा की मात्रा है, ये TGT 2019 में पूछा गया था। आधारभूत उपापचय कैलोरी जूल या कैलोरी मैट्री क्या है? विरामावस्था में शरीर में द्वारा वांछित ऊर्जा की मात्रा TGT 2019 से पूछा गया था। तो क्या है? आधारभूत उपापचय कैलोरी जूल कैलोरी मैट्री। तो मैं आपको बता दूं कि विरामावस्था में शरीर द्वारा वांछित ऊर्जा की मात्रा आधारभूत उपापचय होती है। और जब क्या होता है, शारीरिक और मानसिक रूप से हम विश्राम की स्थिति में होते हैं तो एक व्यक्ति के शरीर की अनैच्छिक क्रिया और शरीर का ताप नियंत्रण करने के लिए, ताप का नियमन करने के लिए जितनी मात्रा में ऊर्जा व्यय होती है वो आधारी उपापचय कहलाती है। क्या कहलाती है? आधारभूत उपापचय। आधारभूत चयापचय या उपापचय कराती है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स दर्शाता है कि वह बीमार है, मोटा है, कुपोषित है, उसकी लंबाई और वजन सही अनुपात में। तो जल्दी से बताएं, ये आपका क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर के उसमें पूछा गया था।
2015 के पेपर में। तो किसी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स दर्शाता है क्या कि वह बीमार है, मोटा है, कुपोषित है, उसकी लंबाई और वजन सही अनुपात में। तो किसी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स दर्शाता है कि व्यक्ति की लंबाई और उसका वजन सही अनुपात में है। व्यक्ति की जो लंबाई और उसका वजन सही अनुपात में है। अगर एक व्यक्ति की लंबाई 5 फुट है तो उसका वजन 45 से लेकर 48 किलो होना चाहिए। किसी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स क्या दर्शाता है कि व्यक्ति उसकी लंबाई और वजन सही अनुपात में है। जैसे कोई व्यक्ति 5 फुट का है तो 45 से 48 किलो का होना चाहिए। फिर दहन की ऊष्मा एक साधन से नापी जाती है जो कहलाती है, यह आपका GIC एग्ज़ाम 2013 में पूछा गया था, बॉम कैलोरी मीटर। बताइए क्या होगा। दहन की ऊष्मा एक साधन से नापी जाती है जो कहलाती है, क्या कहलाती है, तो बॉम कैलोरी मीटर। क्या कहलाती है, बॉम कैलोरी मीटर। फिर बेनेटिक रोथ स्पेरोमीटर नापने का एक यंत्र है, ये GIC एग्जाम 2013 में पूछा गया था। जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो ये है BMR को नापने का यंत्र। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैलोरी इकाई है किसकी, यह आपका क्वेश्चन GIC एग्जाम 2015 में पूछा गया था। BMR की, BMI की, हीट की या टेम्परेचर की, कैलोरी इकाई है। कैलोरी इकाई है BMR, BMI, हीट, टेम्परेचर। तो कैलोरी क्या है, जल्दी से बताएं आंसर। तो मैं बता दूं इसका आंसर है ऊष्मा, हीट। क्योंकि ऊष्मा को जिस इकाई से मापा जाता है उसे क्या कहते हैं, कैलोरी। ऊष्मा को जिस इकाई से नापा जाता है उसे कैलोरी कहते हैं। और जो आहार एवं पोषण विज्ञान में प्रयोग आने वाली कैलोरी को किलो कैलोरी अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर C से दर्शाया जाता है। तो ऊष्मा को जिस इकाई से मापा जाता है उसे क्या कहलाते कहते हैं, हीट। ऊष्मा मतलब ऊष्मा को जिस इकाई से मापा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कैलोरी। ऊष्मा को जिस इकाई से मापा जाता है उसे हम कैलोरी कहते हैं, हीट या ऊष्मा। और आहार और पोषण विज्ञान में प्रयोग आने वाली कैलोरी को किलो कैलोरी अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर C से दर्शाया जाता है। ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है, ये PGT 2005 में पूछा गया था, सौर ऊर्जा, कोयला, गोबर गैस या पेट्रोल। तो ऊर्जा का मूल स्रोत आपका सौर ऊर्जा है। देखिए